15 लाख के चक्कर में कस्टमर लोग इतना उनके पास जाके पूछते हैं कि बेचारे बीमार पड़ गए मैनेजर। अब वो काला धन का जिक्र इस मैनिफेस्टो में नहीं है, इस बार के घोषणा पत्र में काला धन का जिक्र नहीं है, रोजगार का जिक्र नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का भी जिक्र नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्वयं राफेल के घोटाले के मेन अभियुक्त है। याद रखिएगा, राफेल के घोटाले पे जिस दिन FIR हुआ, उस FIR में एक नंबर का आरोपी, एक नंबर का अभियुक्त अगर किसी का नाम होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। और जिस दिन FIR के नाम पे गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले मोदी जी को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से त्रस्त है, परेशान है। अब जो 5 चरणों के चुनाव हुए हैं, उन 5 चरणों के चुनाव से जो फीडबैक आ रहा है, उससे साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी के खिलाफ देश भर में एक लहर चल रही है। मैं खुद मुंबई से चुनाव लड़के आया हूं, मेरे भाग्य का फैसला भी 23 मई को होने वाला है, लेकिन मैंने चुनाव प्रचार के दरमियान महसूस किया कि मोदी जी के पक्ष में कोई वेव नहीं है, बल्कि कैसे बीजेपी को हराया जाए, मोदी जी को रोका जाए, इस प्रकार की मानसिकता के हिसाब से चुनाव हो रहा है पूरे देश में। और जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता है कि दोबारा प्रधानमंत्री बने, उनको रोकने की सही जवाबदारी अजय राय जी के ऊपर है, यहाँ बनारस के लोकसभा की। आकर के मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना, वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार हैं, क्योंकि बनारस में कॉरिडोर के नाम पे जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तुड़वाया गया मोदी जी के इशारे पे, और जिस तरीके से मोदी जी के इशारे पे यहाँ पर मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 550 रुपये का फीस लगाया गया है, फाइन लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, वह इस बात का सबूत है कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कभी औरंगजेब काशी की इन गलियों में गुंडागर्दी करने के लिए उतरा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का दुस्साहस किया था, तब भी काशी के नागरिकों ने अपने मंदिरों को बचाया था। कभी औरंगजेब ने जजिया कर लगाया और हिंदुओं को पर अत्याचार किया था, तब हिंदुओं ने विरोध किया था। आज दिख रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदुस्तान पे राज करेगा की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जजिया कर लगा रहे हैं। तो ऐसे आधुनिक औरंगजेब की मैं निंदा करता हूं, उनका निषेध करता हूं। ऐसा है कम से कम हम अमित शाह जैसे तड़ीपार लोगों की तरह जजों की हत्या नहीं करवाते। नरेंद्र मोदी स्वयं 2002 के गुजरात के और गोधरा कांड के जो तमाम दंगे फसाद थे उसके आरोपी हैं, और उन्होंने मैनेज किया, मैनिपुलेट किया, अमित शाह ने मैनेज किया, मैनिपुलेट किया। हम लोग इस देश के कानून की में विश्वास करते हैं, और अब जमानत की बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान जमानत पे। मैं कितने केसेस में जमानत हूँ, जमानत पे होना अगर अपराध है तो साध्वी प्रज्ञा भी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के टेरर में जमानत पर है, उसको उम्मीदवार क्यों बनाया मुझे बताइए।